मेरे यहाँ पर फोनपे के नए यूजर ने पूछा है, क्या फोनपे रिचार्ज करने का एक्स्ट्रा पैसा लेता है? जैसे कि हम रिचार्ज करते हैं तो कोई फीस लेता है? तो आज के इस वीडियो में हम आपको लाइव बताएंगे कि फोनपे रिचार्ज करने पर कितनी प्लेटफॉर्म फीस लेता है, कह सकते कितना एक्स्ट्रा चार्ज लेता है। तो जानने के लिए इस वीडियो को कंटिन्यू सिक्स क्लास तक शुरू कीजिए। तो सबसे पहले फोनपे ऐप के अंदर लॉगिन हो जाना है आपको। पिन डाल के लॉगिन हो जाते हैं। लॉगिन होने के बाद हम रिचार्ज करते हैं। तो मोबाइल रिचार्ज पे जाते हैं, यहाँ पर मोबाइल नंबर ले लेते हैं सिंपल सा, एंड आप प्लान सेलेक्ट कीजिए कौन सा आपको प्लान लेना है। तो मैं लेता 115 का, सिंपल से इस पर क्लिक करते हैं। तो जब हम रिचार्ज करेंगे तो यहाँ पर प्लेटफॉर्म फीस बता देगा कि फ़ोनपे कितना कितना चार्ज लेगा। तो सिंपल सा प्रोसीड टू पे पर क्लिक करते हैं। प्रोसीड टू पे पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको दिखाई देगा प्लेटफॉर्म फीस। तो यहाँ पर 2 रुपये एक्स्ट्रा ले रहा है, रिचार्ज हो रहा है दोस्तों फ़ोनपे का 155 का, लेकिन प्लेटफॉर्म फीस इन्होंने ले ली है 2 रुपये एक्स्ट्रा, है ना। तो फ़ोनपे यहाँ पर एक्स्ट्रा प्लेटफॉर्म फीस ले रहा है 2 रुपये, है ना। तो 1 रुपये भी लेता है, 3 रुपये भी लेता है, जैसा रिचार्ज आया का पे बिल है तो उसकी फ़ीस लेने लगा है, पहले नहीं लेता था, है ना। तो जब भी आपको देखना है कि मेरे रिचार्ज या कह सकते हैं मैं पे बिल्स कर रहा हूँ, किसी को पैसा भेज रहा हूँ, उसका फ़ीस कितनी है, तो यहाँ पर ही शो हो जाएगी प्लेटफॉर्म फीस, है ना। तो इस तरह से आप देख सकते हैं फ़ोनपे कितना एक्स्ट्रा चार्ज लेता है किसी को पैसा भेजने या रिचार्ज करने पर। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा दोस्तों। इसी तरह की और हेल्पफुल वीडियो के लिए बने रही फ्रेंड, थैंक्स एंड बाय बाय।